Thank <laughs> you. असलम नाजरीन कराम जी एस के ऑफिशियल पर आप सबको को खुश आमदीद याऊस सुल्तान सीरीज़ कब स्क्रीन पर पेश की जाएगी ये सीरीज़ कौन सी बड़ी तारीखी सीरीज़ है जो कि सख्त मुकाबले के लिए तैयार है सीरीज़ की कास्ट के लिए कौन से बड़े नाम सामने आए हैं क्या चंगेज जोशकन इस सीरीज की कामयाबी की असल वजह होंगे सीरीज़ के सेट के बारे में बड़ी खबरें क्या हैं सीरीज़ के लिए कौन से पुराने तारीखी सीरीज के सेट को इस्तेमाल किया जाएगा हीरोइन का किरदार कौन अदा करेगा क्या हम गुलसम अली और चंगेज जोशकन को दोबारा देखने जा रहे हैं हीरो के साथ साथ बड़े विलन भी दिखाए जाएंगे शायक की तवज्जो क्यों हासिल की जा रही है सीरीज का ऐलान काफी अरसा पहले होने के बावजूद इसकी तैयारियां मुकम्मल क्यों नहीं की गई सीरीज की शूटिंग जारी है या नहीं और इसे कब नशर किया जाएगा बिलाल कलिको ने कौन सी बड़ी खबर शेयर की है इस सीरीज ने कौन कौन से बड़े तुर्क अदाकारों के मुंसलिक होने की इतला दी है इसके अलावा और भी बहुत अहम बातों की तफसीत आज की वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएगी तो आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल जी के ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि या वो सुल्तान और दिगर तारीख़ी सीरीज़ के तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और एपिसोड आपको बर वक्त मिलते रहें नाजरन कराम तुर्की की तारीख़ी सीरीज़ ने आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया के शायक को अपने शहर में जकड़ लिया है सल्तनत स्मानिया ने दुनिया में जो शहरत हासिल की है उसका कोई भी मुजना नहीं है लेकिन इस अजीम रियासत पर बनने वाली सीरीज़ की तारीखी दुनिया में एक अहम निशान छोड़ रही है उस्मानी तारीखी हीरो मोतियों की मांद है जिसमें हर कोई अपनी मिसाल आप है हर कोई किसी भी अहम उस्मानी किरदार की तारीख के बारे में पुरजोश दिखाई देता है अब तक हम बहुत से स्मानी तारीखी किरदारों की कहानियाँ देख और सुन चुके हैं नाजरीन कराम तुर्की सीरीज़ में कई सुल्तानों के किरदार की अक्सबंदी की गई है और ये सिलसिला बेपना मकबूलियत हासिल भी कर रहा है अब तक सबसे मशहूर सीरीज दिल्स अर्तगुल थी जिसने दुनिया पर अपना जादू किया है गुरुल उस्मान के बाद आने वाली सीरीज भी बहुत मकबूल थी लेकिन तारीख उस्मानी सुल्तानों से भरी पड़ी है उनके कारनामे तारीख के सुनहरी हरूफ में दर्ज हैं अब एक नई सीरीज़ का ऐलान किया गया है जिसने शायकीन को अपनी तरफ मुतवज्जा किया है सुल्तान या वो सलीम की जिंदगी पर मबनी सीरीज में शायकीन की दिलचस्पी की वहाद वजह उस्मानी तारीख नहीं है बल्कि चंगेज जोशन है जो कि एक किरदार के तौर पर हमें नजर आएंगे नाजरन कराम चंगेज जोशकन ने अपनी अदाकारी और मकबूल किरदार तुर्गत अल्प से मदाहों के दिलों में जगह बनाई है हर कोई इसका दीवाना हो रहा है दिल्ली अर्तगुल सीरीज के बाद शायक उन्हें स्क्रीन पर देखने के लिए बेताब है उस्मान सीरीज में इसे नुमाया करने के लिए बहुत ज्यादा काले की गई थी लेकिन उनका कोई फायदा नहीं हुआ मदाहों की ख्वाहिशात को मद्देनजर रखते हुए उन्हें फ़िल्म मलाजगि दस इकहत्तर में सुल्तान अलपरसलान के किरदार में कास्ट किया गया उनका अकेला ही रूप शायक को महसूर करने के लिए काफ़ी था लेकिन बदकिस्मती से मुनासिब मौका ना मिलने की वजह से फिल्म वक्त पर रिलीज ना हो सकी जब से ये फैसला किया गया था कि चंगेज जोशकन एक अहम तारीखी सुल्तान या सलीम का किरदार अदा करेंगे मदाहों को अपने जज्बात पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था शायक के तजस की असल वजह यही है नाजरीन कराम सीरीज का ऐलान तो बहुत पहले ही होने के बावजूद अभी तक सीरीज़ की शूटिंग क्यों शुरू नहीं हुई सीरीज़ की शूटिंग की ताज़ा तरीन खबरें भी सामने आ गई हैं इन पर भी बात की जाएगी लेकिन पहले हम बात करेंगे कि सीरीज़ की कास्ट में कौन कौन से अहम नाम शामिल किए गए हैं सीरीज़ के हीरोज और हीरोइन का ऐलान पहले हो चुका था नाजरीन कराम चंगेज जोशकन सुल्तान सलीम याऊस का किरदार अदा करेंगे और हेजल फेज इनकी बीवी और वालदा सुल्ताना आयशा हफ्सा सुल्तान के रूप में नजर आएँगी इसके अलावा और भी बड़े नाम सामने आए हैं दिल्ली अर्तगुल सीरीज में मकबूल किरदार दिमरल अल्प के तौर पर नज़र आने वाले अदीब जैदान भी कास्ट का हिस्सा होंगे मुराद आर्कन आयदस इंजिज और यल्दमीज भी सीरीज का हिस्सा बनने वाले हैं और एक अहम नाम यासीन अंबूज है बिलाल कालिपो ने खुद इनका नाम का ऐलान भी किया है वो यासीन अंबूज सीरीज में सुल्तान सलीम के इंतहाई करीबी सिपाही के तौर पर दिखाए जाएंगे बिलाल कालिंगो ने तमाम मालूम इमसाल के दौरे के दौरान ही दे दी थी इस मौके पर भी उन्होंने सीरीज़ में आदब जैदान की शमूलियत का जिक्र किया था यासिन ओबोज ने कहा था कि जब उन्हें सीरीज की पेशकश की गई थी इसीलिए उन्होंने बाल अपने नहीं कटवाए और दाढ़ी भी बड़ी करने का फ़ैसला किया कि वो तकरीबन डेढ़ माह से घुड़सवारी और तलवारबाजी की मशकें कर रहे थे मोहम्मद सारी अमासिया के महर ने प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर को मदू किया और उनकी मुकम्मल हिमायत का ऐलान भी किया सीरीज जो कि नौवें उस्मानी सुल्तान याव सलीम की ज़िंदगी पर मजकूर होगी शायक इसकी शूटिंग के बारे में भी जानने में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं इसी सीरीज़ की शूटिंग की पहली खबर के मुताबिक शूटिंग नवंबर के आखिर तक शुरू होनी थी लेकिन अब कुछ वजूहत की बना पर सीरीज़ की शूटिंग फरवरी 2024 में शुरू होगी इस तखिर के पीछे असल राज आने वाली महकावी तारीखी सीरीज़ को निशाना बनाना है इसकी मजीद तफसीत भी बताई जाएगी लेकिन अभी के लिए बात करते हैं सीरीज़ की टीम की अमासिया दौरे के बारे में इसकी वजह यह है कि शूटिंग अमासिया में होगी अमासिया के महर ने कहा है कि वह सीरीज़ की टीम को हर मुमकिन ताउन फराम करेंगे और इस मौका पर उन्होंने याद दिलाया है कि इस शहर ने सात अजीम उस्मानी सलातीन को पना दी है इसीलिए इसे शहजादों का शहर भी कहा जाता है क्योंकि सुल्तान यहीं पर तख्त नशीन हुआ था याऊस सुल्तान भी इसी शहर में 1470 ईस्वी में पैदा हुए थे ये वो शहर है जिसने बहुत से शहजादों की परवरिश की है इस शहर के बाद सीरीज़ की शूटिंग इस्तम शहर में भी की जाएगी इस सीरीज़ के सेट के बारे में बात करते हुए बड़ी खबर यह है कि एक पुराना सेट इस्तेमाल किया जाएगा अब आप भी यही सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी सीरीज़ के लिए पुराना सेट क्यों इस्तेमाल किया जाएगा दर हकीकत इस सेट की जरूरत इसलिए है कि ये दोनों सिलसिले तारीखी तौर पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं आप में से बहुत से लोगों ने सुल्तान सुलेमान आजम की जिंदगी में मबनी सीरीज वजुल को देखा होगा सुल्तान सुलेमान दरअसल याऊस सलीम का बेटा था दोनों बाप बेटे इकाई के साथ ही तारीखी किरदार हैं तो महिलात और तारीखी मुकामात भी एक जैसे हैं लिहाजा इसी सेट को दोबारा तरतीब दे दिया जाएगा और कुछ तब्दीलियों के बाद सीरीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा यक़ीन कई नए मकाम भी सेट का हिस्सा बनेंगे सेट के हवाले से भी सीरीज़ की तैयारियाँ जोर पर हैं दूसरी जानब अदाकारों को भी कास्ट में शामिल कर लिया गया है इसके अलावा सीरीज़ कब पेश की जाएगी ये भी एक अहम मौजू है अरतगुल सीरीज़ के बाद शायक चंगेज जोशकन को स्क्रीन पर देखने के लिए बेताब है और बदकिस्मती से मलाजगिरत दस इकहत्तर फिल्म आलमी वबाई और अमराज की वजह से तखिर का शिकार हुई लेकिन कुछ दिनों पहले ही उसे रिलीज़ कर दिया गया था जिससे तमाम शायक को तस्किन पहुंची जिसमें चंगेज जोशकन सुल्तान अलपरसलान का किरदार अदा कर रहे थे लेकिन अब याउस सुल्तान सलीम सीरीज़ चंगेज जोशकन के मदाहों के लिए एक उम्मीद थी वो हैरत अंगेज़ तौर पर बहुत सुस्त रफ्तारी से काम कर रहा है इसकी वजह यह है कि ये सीरीज़ एक बड़े आने वाली तारीखी सीरीज से टकराने के मनसूबाबंदी कर रही है अगर आप जानते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी सीरीज़ भी अगले ही साल में स्क्रीन पर आने वाली है ऐन मुमकिन है कि या वो सुल्तान सीरीज़ भी इसी सीरीज़ के मुकाबले में पेश की जाएगी अब यहाँ पर एक और दिलचस्प खबर यह है दर हकीकत इस सीरीज़ ने हीरोइन का ऐलान तो किया है लेकिन अब सब जानते हैं कि तुर्गुत और इसमेहान सुल्तान की जोड़ी अरतगुल सीरीज़ में ही बहुत मशहूर हुई थी पुरस्तान चंगेज जोशकन और गुलसम अली को दोबारा देखना चाहते हैं और फिर अचानक ही गुलशन अली की सलाहुद्दीन यूबी सीरीज़ से दस्तबरदार होने की खबरें हम सोचने लगे हैं कि इसे यावु सलीम में चंगेज जोशकन के साथ कास्ट किया जाए अरतगुल सीरीज़ में दोनों किरदारों की जोड़ी बेमिसाल थी पहले से मशहूर जोड़ी के लिए नए रूप स्क्रीन पर आना मुमकिन नहीं है इसी तरह से गुलसम अली की यावस सीरीज़ में नजर आने का कोई इम्कान नहीं है तारीख को मद्देनजर रखते हुए यावो सुल्तान सलीम की दो बीवियाँ दिखाई जाएंगी आयशा हफ्सा सुल्तान जो कि वालिदा सुल्तान और फिर आयशा खातून दूसरे खातून का किरदार कौन अदा करेगी इस बारे में अभी तक कोई ख़बर सामने नहीं आई है इसके अलावा सीरीज़ के नए विलन के बारे में भी खसूस गुफ्तू हुई है इसकी वजह यह थी कि तुर्क अदाकार नूरुद्दीन सुमज़ की याबो सुल्तान सीरीज से बाहर होने की खबरें थी और बाराये के मुताबिक वो सीरीज़ में विलन का किरदार अदा करने वाले थे इसके बाद पाज़ अफवाहों के मुताबिक वही सीरीज़ का हिस्सा नहीं रहे हैं जबकि सीरीज़ का वक्त करीब आ रहा है अहम सरा ने यह ख़बर भी शेयर की है कि याउद सुल्तान सलीम सीरीज़ के तीन सीज़न होने वाले हैं और इसकी कुल तकरीबन तीस एक साथ होंगी नए साल के आगाज़ में ही इसको स्क्रीन पर नशर कर दिया जाएगा आप भी चंगेज जोशन के मता हैं और इसे दोबारा स्क्रीन पर देखना भी पसंद करेंगे अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते जाइएगा अब हमारी मुलाकात होगी नए एपिसोड के साथ और नए चंगेज जोशकन के आने वाली सीरीज़ की अपडेट्स और उनके एपिसोड के साथ तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़ वालेकुम नाजरीन कराम जीएस के ऑफिशियल पर आप सबको खुश आमदीद याऊस सुल्तान सीरीज़ कब स्क्रीन पर पेश की जाएगी ये सीरीज़ कौन सी बड़ी तारीखी सीरीज़ है जो कि सख्त मुकाबले के लिए तैयार है सीरीज़ की कास्ट के लिए कौन से बड़े नाम सामने आए हैं क्या चंगेज़ जोशकन इस सीरीज़ की कामयाबी की असल वजह होंगे सीरीज़ के सेट के बारे में बड़ी खबरें क्या हैं सीरीज़ के लिए कौन से पुराने तारीख़ी सीरीज़ के सेट को इस्तेमाल किया जाएगा हीरोइन का किरदार कौन अदा करेगा क्या हम गुलसम अली और चंगेज़ जोशकन को दोबारा देखने जा रहे हैं हीरो के साथ साथ बड़े विलन भी दिखाए जाएंगे शायक की तवज्जो क्यों हासिल की जा रही है सीरीज़ का ऐलान काफ़ी अरसा पहले होने के बावजूद इसकी तैयारियाँ मुकम्मल क्यों नहीं की गई सीरीज़ की शूटिंग अभी तक जारी है या नहीं बिलाल कलिंग सीरीज़ की शूटिंग जारी है या नहीं और इसे कब नशर किया जाएगा बिलाल कलिंको ने कौन सी बड़ी ख़बर शेयर की है इस सीरीज़ ने कौन कौन से बड़े तुर्क अदाकारों के मुंसलिक होने की इतला दी है इसके अलावा और भी बहुत अहम बातों की तफसीत आज की वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएगी तो आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल जी एस के ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि या वो सुल्तान और दिगर तारीख़ी सीरीज़ के तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और एपिसोड आपको बर वक्त मिलते रहें नाजरीन कराम तुर्की की तारीख़ सीरीज़ ने नाज्रन कराम तुर्की की तारीख़ी सीरीज़ ने आहिस्ता पूरी दुनिया के शायकन को अपने शहर में जकड़ लिया है सल्तनत स्मानिया ने दुनिया में जो शहरत हासिल की है उसका कोई भी मुजना नहीं है लेकिन इस अज़ीम रियासत पर बनने वाली सीरीज़ की तारीख़ी दुनिया में एक अहम निशान छोड़ रही है उस्मानी तारीखी उस्मानी तारीखी हीरो मोतियों की मांद है जिसमें हर कोई अपनी मिसाल आप है हर कोई किसी भी हर कोई किसी भी अहम उस्मानी किरदार की तारीख के बारे में पुरजोश दिखाई देता है अब तक हम बहुत से उस्मानी तारीखी किरदारों की कहानियां देख और सुन चुके हैं नाजरन कराम तुर्की सीरीज़ में कई सुल्तानों के किरदार के अक्सबंदी की गई है नाजरेन कराम तुर्की सीरीज में कई सुल्तानों के किरदार की अक्सबंदी की गई है और ये सिलसिला बेपना मकबूलियत हासिल भी कर रहा है अब तक सबसे मशहूर सीरीज दिल्स अर्तगुल थी जिसने दुनिया पर अपना जादू किया है करलुस स्स्मान के बाद आने वाली सीरीज भी बहुत मकबूल थी लेकिन तारीख सल्त... लेकिन तारीख स्मानी सुल्तानों से भरी पड़ी है उनके कारनामे तारीख के सुनहरी हरूफ में दर्ज हैं अब एक नई सीरीज का ऐलान किया गया है जिसने शाइकन को अपनी तरफ मुतवजा किया है सुल्तान या सलीम की जिंदगी पर मबनी सीरीज में शायक की दिलचस्पी की वहाद वजह उस्मानी तारीख नहीं है बल्कि चंगेज़ जोशकन जिसे अदाकार को बल्कि चंगेज जोशन हैं जो कि एक किरदार के तौर पर हमें नजर आएंगे नाजरीन कराम चंगेज जोशकर ने अपनी अदाकारी और मकबोलीत किरदार नाजरीन कराम चंगेज जोशकर ने अपनी अदाकारी और मकबूल किरदार अल्प से मदाहों के दिलों में जगह बनाई है हर कोई इसका दीवाना हो रहा है दिल्ली अरतगुल सीरीज़ के बाद शायक उन्हें स्क्रीन पर देखने के लिए बेताब हैं करुलसमान सीरीज़ में इसे नुमाया करने के लिए बहुत ज़्यादा काले की गई थी लेकिन उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ मदाहों की ख्वाहिशात को मद्देनज़र नज़र रखते हुए उन्हें फ़िल्म मनाजगिरत दस इकहत्तर में सुल्तान अलपरसलान के किरदार में कास्ट किया गया उनका अकेला ही रूप शायक को महसूर करने के लिए काफ़ी था लेकिन बदकिसमती से मुनासिब मौका ना मिलने की वजह से फ़िल्म वक्त पर रिलीज़ ना हो सकी जब से ये फ़ैसला किया गया था चंगेज जोशकर ने एक अहम तारीख़ी सुल्तान यावस सलीम का किरदार अदा करेंगे जब से ये फ़ैसला किया गया था के चंगेज जोशकन एक अहम तारीख़ी सुल्तान या सलीम का किरदार अदा करेंगे मदाहों को अपने जज्बात पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था शायक के तजस की असल वजह यही है नाजरीन कराम सुल्तान सीरीज नाजरेन कराम सीरीज़ का एलान तो बहुत पहले ही होने के बावजूद अभी तक सीरीज़ की शूटिंग क्यों शुरू नहीं हुई सीरीज़ की शूटिंग की ताज़ा तरीन खबरें सीरीज़ की शूटिंग की ताज़ा तरीन खबरें भी सामने आ गई हैं इन पर भी बात की जाएगी लेकिन पहले हम बात करेंगे कि सीरीज़ की कास्ट में कौन कौन से अहम नाम शामिल किए गए हैं सीरीज़ के हीरोज और हीरोइन का ऐलान कब पहले हो चुका था नाज्रिन कराम चंगेज जोशकन सुल्तान सलीम याऊस का किरदार अदा करेंगे और हीरोइन फैज़ की बीवी और हैज़ल फ़ैज़ की बीवी और वालिदा सुल्ताना आयशा हफ्सा सुल्तान के रूप में नजर आएंगी इसके अलावा और भी बड़े नाम सामने आए हैं दिल्ली अरतगुल सीरीज़ में मकबूल किरदार दिमरल अल्प के तौर पर नज़र आने वाले अदीब जैदान भी कास्ट का हिस्सा होंगे मुराद आर्कन आयदस इंजीज और यल्दमीज जेल भी सीरीज़ का हिस्सा बनने वाले हैं और एक और नाम यासमीन अबूज बिलाल कालिम्पो ने ख़ुद इनका ऐलान भी किया है और एक अहम नाम यासीन अम्बूज है बिलाल कालिंपो ने ख़ुद इनका नाम का ऐलान भी किया है वो यासीन अम्बूज सीरीज़ में सुल्तान सलीम के इंतहाई करीबी सिपाही के तौर पर दिखाए जाएंगे बिलाल कालिंगो ने तमाम मालूम इमसाल के दौरे के दौरान ही दे दी थी इस मौके पर भी उन्होंने सीरीज़ में आदब जैदान की शमूलियत का जिक्र किया था यासिन ओबोज ने कहा था कि जब उन्हें सीरीज़ की पेशकश की गई थी इसीलिए उन्होंने बाल अपने नहीं कटवाए और दाढ़ी भी बड़ी करने का फ़ैसला किया कि वो तकरीबन डेढ़ माह से घुड़सवारी और तलवारबाजी की मशकें कर रहे थे मोहम्मद सारी मासिया के महर ने प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर को मद़ु किया और उनको मुकम्मल हिमायत का ऐलान भी किया और उनकी मुकम्मल हिमायत का ऐलान भी किया सीरीज़ जो के नौवें सुल्तानी सीरीज़ जो के नौवें उस्मानी सुल्तान याव सलीम की ज़िंदगी पर मजकूर होगी शायक इसकी शूटिंग के बारे में भी जानने में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं इसी सीरीज़ की शूटिंग की पहली खबर के मुताबिक शूटिंग नवंबर के आखिर तक शुरू होनी थी लेकिन अब कुछ वजूहत की बना पर सीरीज़ की शूटिंग फरवरी 2024 में शुरू होगी इस तख़ीर के पीछे असल राज आने वाली महकावी तारीखी सीरीज़ को निशाना बनाना है इसकी मजीद तफसीलत भी बताई जाएगी लेकिन अभी के लिए बात करते हैं सीरीज़ की टीम की अमासिया दौरे के बारे में इसकी वजह यह है कि शूटिंग अमासिया में होगी अमासिया के महर ने कहा है कि वो सीरीज़ की टीम को हर मुमकिन ताउन फ़राहम करेंगे और इस मौका पर उन्होंने याद दिलाया है कि इस शहर ने सात अज़ीम उस्मानी सलातीन को पनाह दी है इसीलिए इसे शहजादों का शहर भी कहा जाता है क्योंकि सुल्तान यहीं पर तख़्त नशीन हुआ था याउस सुल्तान भी इसी शहर में चौदह सौ सत्तर ईस्वी में पैदा हुए थे और वह शहर जिसमें ये वो शहर है जिसने बहुत से शहजादों की परवरिश की है इस शहर के बाद सीरीज़ की शूटिंग इस्तोल शहर में भी की जाएगी इस सीरीज़ के सेट के बारे में बात करते हुए बड़ी ख़बर यह है कि एक पुराना सेट इस्तेमाल किया जाएगा अब आप भी यही सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी सीरीज़ के लिए पुराना सेट क्यों इस्तेमाल किया जाएगा दर हकीकत इस सेट की जरूरत इसलिए है कि ये दोनों सिलसिले तारीखी तौर पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं आप में से बहुत से लोगों ने सुल्तान सलेमान आजम की ज़िंदगी पर मबनी सीरीज़ महमतलवजुल को देखा होगा सुल्तान सुलेमान दरअसल यावुस सलीम का बेटा था दोनों बाप बेटे इकाई के साथ ही तारीखी किरदार हैं जो कि तो महलात और तारीखी मुकामात भी एक जैसे हैं लिहाजा इसी सेट को दोबारा दे दिया जाएगा और कुछ तब्दीलियों के बाद सीरीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा यकीनन यही नहीं मकाम यकीन कई नए मुकाम भी सट का हिस्सा बनेंगे सट के हवाले से भी सीरीज की तैयारियाँ जो सट के हवाले से भी सीरीज़ की तैयारियाँ जोर पर हैं दूसरी जानब अदाकारों को खास में शामिल किया गया है दूसरी जानब अदाकारों को भी कास्ट में शामिल कर लिया गया है इसके अलावा सीरीज़ कब पेश की जाएगी ये भी एक अहम मौजू है अर्तुगल सीरीज़ के बाद शाइकीन चंगेज जोशकन को स्क्रीन पर देखने के लिए बेताब है और बदकिस्मती से मलाजगरत एक हज़ार और बदकिस्मती से मलाजगरत दस इकहत्तर फिल्म आलमी वमाई और बबराज की वजह से और बदकिस्मती से मलाजगरत दस इकहत्तर फिल्म आलमी वबाई और अमराज की वजह से तखिर का शिकार हुई लेकिन कुछ दिनों पहले ही उसे रिलीज़ कर दिया गया था जिससे तमाम शायक को तस्किन पहुँची जिसमें चंगेज जोशकन सुल्तान अलपरसलान का किरदार अदा कर रहे थे लेकिन अब याउस सुल्तान सलीम सीरीज़ चंगेज जोशकन के मदाहों के लिए एक उम्मीद थी वो हैरत अंगेज़ तौर पर बहुत सुस्त रफ्तारी से काम कर रहा है इसकी वजह यह है कि यह सीरीज़ एक बड़े आने वाली तारीख़ी सीरीज से टकराने के मनसूबाबंदी कर रही है अगर आप जानते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी सीरीज़ भी अगले ही साल में स्क्रीन पर आने वाली है एन मुमकिन है कि या वो सुल्तान सीरीज़ भी इसी सीरीज़ के मुकाबले में पेश की जाएगी अब यहाँ पर एक और दिलचस्प ख़बर यह है दर हकीकत इस सीरीज ने हीरोइन का ऐलान तो किया है लेकिन अब सब जानते हैं कि तुर्गुत और इसमेहान सुल्तान की जोड़ी अरतगुल सीरीज़ में ही बहुत मशहूर हुई थी फिर चंगेज जोशकन और गुलसम अली को दोबारा देखना चाहते हैं और फिर अचानक ही गुलसन अली की सलाहुद्दीन यूबी सीरीज़ से दस्तबरदार होने की खबरें हम सोचने लगे हैं कि इसे यावस सलीम में चंगेज जोशकन के साथ कास्ट किया जाए अरतगुल सीरीज़ में दोनों किरदारों की जोड़ी बेमिसाल थी लेकिन उनके चाहने वालों का ख्याल दुनिया से बाहर आना चाहिए पहले से मशहूर जोड़ी के लिए नए रूप स्क्रीन पर आना मुमकिन नहीं है इसी तरह से गुलसम अली की यावस सीरीज़ में नज़र आने का कोई इम्कान नहीं है तारीख को मद्देनज़र रखते हुए यावोस सुल्तान सलीम की दो बीवियाँ दिखाई जाएंगी आयशा हफ्सा सुल्तान जो कि वालिदा सुल्तान और फिर आयशा खातून बने दूसरे खातून का किरदार कौन अदा करेगी इस बारे में अभी तक कोई ख़बर सामने नहीं आई है इसके अलावा सीरीज़ के नए विलन के बारे में भी खसूस गुफ्तगू हुई है इसकी वजह यह थी कि तुर्क अदाकार नूरुद्दीन सुमिज के सुल्तान सीरीज से बाहर होने की खबरें थी और बाराये के मुताबिक वो सीरीज़ में विलन का किरदार अदा करने वाले थे इसके बाद बास अफवाहों के मुताबिक वही सीरीज़ का हिस्सा नहीं रहे हैं जबकि सीरीज़ का वक्त करीब आ रहा है अहम सरा ने यह ख़बर भी शेयर की है कि याउद सुल्तान सलीम सीरीज़ के तीन सीज़न होने वाले हैं और इसकी कुल तकरीबन तीस एक साथ होंगी नए साल के आगाज़ में ही इसको स्क्रीन पर नशर कर दिया जाएगा इम्कान है कि नाजरीन कराम आप भी चंगेज जोशकन के मता हैं और इसे दोबारा स्क्रीन पर देखना भी पसंद करेंगे अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते जाइएगा अब हमारी मुलाकात होगी नए एपिसोड के साथ और नए चंगेज़ जोशकन के आने वाली सीरीज़ की अपडेट्स और उनके एपिसोड के साथ तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़ अस्सलाम असलमकुम नाजरन कराम हम सब आपको अपने यूट्यूब चैनल अस्मानिया नेटवर्क पर खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे नाजरन कराम आज की वीडियो में हम एक नई तारीख़ी सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि सल्तनत ओस्मानिया के नोवे सुल्तान सुल्तान याबूसलीम के ऊपर बनाई जाएगी इस ड्रामे की शूटिंग शुरू हो चुकी है और आप जल्द इसे स्क्रीन पर देख सकते हैं नाजरन कराम तारीखी सीरीज़ और एक्शन की शायक ये चाहते हैं कि इन्हें स्क्रीन पर कोई धमाका खेज तारीखी कहानियाँ देखने को मिले जदीद नस्ल तारीख़ी किरदार की जिंदगीों को पढ़ने के लिए किताबों का रुख नहीं करती बल्कि वह इन किरदारों को स्क्रीन पर देखने के लिए बेताब है दुनिया की मशहूर तुर्क सीरीज़ अरतगुल उसका मुंह बोलता सबूत है कि किस तरह किरदार सामयीन को अपने जादू में उसने नीचे रखा था इस कामयाब तजर्बे के बाद तुर्क इंडस्ट्री एक बार फिर एक नए शानदार इस्लामी हीरो की कहानी पेश कर रही है जो कि सब का दिल जीत रही है शायक मुख्तलिफ हीरोज की कहानी को स्क्रीन पर पेश करने की ख्वाहिश रखते हैं और बहुत सी ख्वाहिश पूरी होती नज़र आती हैं तुर्की सल्तनत स्मानिया से मनसूख एक सिलसिला पेश कर रहा है इसके अलावा सलजुकी और दिगर इस्लामी हिरोज़ के किरदार भी पेश किए जा रहे हैं सल्तनत स्स्मानिया और भी बहुत से बहादुर और अज़ीम सुल्तान देखे हैं तारीख इन सबसे भरी पड़ी है इनसे पहले भी उस्मानी दौर पर सीरीज़ पेश की जा चुकी है सुल्तान याऊ सलीम पर बनने वाली सीरीज तवज्जो का मरकज़ है सुल्तान की कहानी शायक को अपनी तरफ मुतव कर रही है लेकिन सुल्तान का एक और अहम किरदार स्क्रीन पर नज़र आएगा मदाहों की नज़रें सुल्तान याऊसलीम की कहानी पर जमी हुई हैं इसकी वजह यह है कि किरदार मशहूर तुर्क अदाकार चंगेज जोशकन अदा करेंगे इसकी आलमी शहरत अरतगुल में तुर्गुत के किरदार की वजह से है शायक एक दफ़ा फिर इनको अदाकार के तौर पर देखने के लिए बेताब है और अब मदाहों की यह ख्वाहिश भी पूरी होने जा रही है इससे कबल मुलाजगिरत फिल्म में अलपरसलान का किरदार चंगेज जोशकन अदा कर चुके हैं जिसे बहुत ज़्यादा सराहा गया था और फिर सब उन्हें सुल्तान के रूप में देखने के लिए बेताब हैं लेकिन इस वक्त इस सीरीज़ को लेकर हर किसी के जहन में कई सवाल आ रहे हैं हर कोई पूछ रहा है कि सीरीज़ आखिर कब नशर की जाएगी इसके कितने सीजनस होंगे और कितनी एपिसोड नशर की जाएंगी और क्या यह देखने की भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी इस बारे में हम आज की इस वीडियो में आपको तफसील से बताएंगे इस सीरीज़ को लेकर सब का तजस अरूज पर है कुछ झलकियां शायकीन को उलझा रही हैं कि शायद इसका ताल्लुक यावूस सुल्तान सीरीज से हो लेकिन नाजरीन कराम मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि इनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है दर हकीकत इस सीरीज़ की शूटिंग में अभी कुछ वक्त बाकी है सीरीज़ की कास्ट पर तोज्जा दे चुनाचा चंगेज जोशकन सुल्तान या वो सलीम का किरदार अदा करेंगे और सीरीज़ की हीरोइन सुल्तान की बीवी हफ्सा ख़ातून का किरदार हिजल हजाल फसल अदा करेंगी इसके अलावा एक और अहम नाम कास्ट में शामिल हो रहा है खबरें सामने आ रही हैं एक तारीखी सीरीज़ अरतगुल के किरदारों को दोबारा देखना अच्छा लगा है तो अब इस सीरीज़ में शामिल होने वाले तीसरे किरदार ने भी सबको खुश कर दिया है अरतगुल सीरीज़ में दिमरल अल्प का किरदार अदा करने वाले अदाकार को भी याबूस सीरीज़ में शामिल किया गया है लेकिन अभी टीम की जानब से इस खबर की तस्दीक नहीं की गई है लेकिन फिर भी कई अहम जराए के मुताबिक अदाकार को इस सीरीज के लिए पेशकश की गई है उम्मीद है कि इस अदाकार की भी या वो सुल्तान सीरीज़ में एंट्री होगी जहाँ तक इसके किरदार का ताल्लुक है तो इसके बारे में भी मालूम मौसू हुई हैं कि वो सीरीज़ में सुल्तान या वो सलीम के सबसे ज्यादा काबिल अतमाद लोगों में से एक होंगे नाजरन कराम इस सीरीज़ की शूटिंग कब शुरू हो रही है और इसकी एक इकसात कितनी होंगी और साथ ही साथ हम एक और मौजू पर भी बात करेंगे कि सीरीज़ किस प्लेटफॉर्म पर नशर की जाएगी वाजिया रहे कि महल की शान ज़िंदगी के साथ साथ वो सलीम की सियासी ज़िंदगी पर भी तवज्जो दी जाएगी अगर इसके सेट के बारे में बात करते हो तो मैं आपको बताता चलूँ कि आप इस जगह को पहले से ही जानते हैं तारीख़ से मोहब्बत करने वालों ने शानदार सलेमान सलीम की ज़िंदगी पर सीरीज़ देखी होगी अब यह सीरीज़ नशर की जाएगी कि सुल्तान सलेमान सुल्तान याव सलीम का बेटा था लिहाजा इस महल में जहाँ उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी थी वहाँ वो सलीम को देखा जाएगा सीरीज़ की शूटिंग में की जाएगी और अब शूटिंग के हवाले से ख़बरें सामने आ रही हैं कि शूटिंग मार्च में शुरू की जाएगी और बहुत ही जल्द मई या जून जुलाई में ये आपको मंजर आम पर देखने को मिलेंगी जैसा कि सीरीज़ के बारे में मदाहों की दिलचस्पी जारी है इस तरह से ही इसके हवाले से अहम खबरें भी देखने को मिल रही हैं सीरीज़ के सीजन की बात करें तो इस सीरीज़ के तीन सीजन्स होंगे हैरत की बात यह है कि सीजन में बहुत ज़्यादा महदूद तादाद होगी और इस पर शायक की नज़रें भी उदास हैं बताया गया है कि पहले सीजन्स के नौ एक साथ होंगी और दूसरे सीजनस की आठ एक साथ होंगी और आखिरी सीजन की सात साथ, साथ होंगी आपको यह सुनकर काफ़ी हैरानगी हुई होगी कि क्योंकि तुर्की सीरीज़ अक्सर ज़्यादा एक साथ पेश करती हैं इसी तरह जलालुद्दीन शाह सीरीज़ के पहले सीजन में भी बहुत कम एक साथ दिखाई गई थी ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक ये सीरीज़ ऐसे मिनी सीजनस पेश करेगी ये सिलसिला किस प्लेटफॉर्म पर पेश किया जाएगा इस पर भी बात हो रही है

सीरीज़ की टीम ने कहा है कि रकम मामूली सी होगी और शायक आसानी से इशा तक इससे लुफ्फ हो सकेंगे अगर सीरीज़ की कहानी की बात करें तो ये भी काफ़ी दिलचस्प होगी हमें इसकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार देखने को मिलेंगे सुल्तानी याबू सलीम के शहजादे की हैसियत से अपनी ज़िंदगी से लेकर अजीम स्स्मानी तख्त की जंग तक खास तौर पर उसके अपने भाई के साथ तनाज़ा दिखाया जाएगा सुल्तान या वो सलीम की बीवियों की कहानी भी बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगी दोनों के नाम बिल्कुल मिलते जुलते हैं लेकिन उनके लहजे मुख्तलि होंगे आपको महल में ज़बरदस्त सियासी खेल भी देखने को मिलेंगे सुल्तान की तारीफ़ में आयशा हफ्सा सुल्तान की अहमियत बहुत वाजह है जिसने सल्तनत को अजीम सुल्तान सुलेमान की शक्ल में ऐसा